हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सांडिया लेक्चर्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यहाँ पे मैं आपको नोटिस दिया था मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे, यदि आप कम्युनिटी टैब नहीं देखें तो फिर से जाके एक और देखें। वहाँ पे इसी के रिगार्डिंग था कि एक और बीएड का एग्ज़ाम अभी आपका बाकी है, तो वो था यही एनसीईआरटी का बीएड का एग्ज़ाम। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि ये एनसीईआरटी की बीएड का एग्ज़ाम है, लेकिन ये अजमेर के इंस्टीट्यूट जो है वो कंडक्ट कराती है। मैं सारी डिटेल आपको बारीकी से दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये एग्ज़ाम का थीम क्या है। तो थीम, जैसे आप लोगों ने NOU का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो NOU का था B.Ed CET करके, तो इसी तरह से इसका है RIE CEE, और ये 2019 में कंडक्ट हो रही है। अर्थात R का अर्थ होता है रीजनल, I का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट, और E का अर्थ होता है ऑफ एजुकेशन, मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कम्बाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019। यह बीएड का कोर्स के साथ साथ बीएससी के साथ बीएड, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ बीएड, या फिर एमएड या एमएससी के बाद जो भी कोर्स होते हैं उसके साथ यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप एक से अधिक कोर्स के लिए भी साइमल्टेनियसली यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, जो कि अजमेर में ही है, और इसका मेन जो है सारा कुछ का व्यवस्था एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर सर्टिफिकेशन से जो भी कुछ हो वो एनसीईआरटी के देखरेख में होती है। तो यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूट है, सब के बारे में मैं बताऊँगा। चलिए जानते हैं RIE CEE 2019, या यूँ कहिए कि NCERT BEd का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारी डिटेल। आप लोग घबराए नहीं, मैं हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट जो है यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो स्पेशली ये वीडियो जो है बीएड के ऊपर होने वाली है। यदि आप लोग एमएड या ग्रेजुएशन के साथ बीएड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो भी बताऊँगा। हालाँकि यदि आप अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए ही हो, यदि आप चाहते हैं कि बीएड जो है वो मेरा ग्रेजुएशन के साथ क्लियर हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये भी जो है RIE, ये यदि बीएड कराती है तो इसका भी ड्यूरेशन 2 ईयर्स का ही है। इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट यदि अभी बीएड कराती है तो उसका ड्यूरेशन जो है वह 2 साल का ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं ये RIE क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और इसको हम लोग सामान्यतः रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के भी नाम से जाने जाते हैं। यह खास करके एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है, जैसे कि बीएड ट्रेनिंग या फिर टीचर के रिलेटेड जो भी एजुकेशन हो वह इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो यह एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है NCERT की। आप देख सकते हैं NCERT न्यू दिल्ली में इसका जो है हेड ऑफिस है, और वहीं से ये क्या करती है, इस पर अपना आधिपत्य जमाए हुई है और सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो RIE के हैं 5 इंस्टीट्यूट, जो कि है अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मैसूर में और शिलोंग में। तो अब आप लोग कहेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई हम लोग करें, तो इसके सारे जो भी सीट होती है वह आपका रैंक अनुकूल डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, आप लोग सीधा जाएं फॉर्म का अप्लाई कर दें। फॉर्म का अप्लाई का लास्ट डेट कब तक है वो भी मैं बताऊँगा, हालाँकि लास्ट डेट 12/5/2019 तक ही है, यानी कि सिर्फ एक दिन आपके पास अभी बचा हुआ है। ये 5 इंस्टीट्यूट का नाम आपने देख लिया, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पे स्पेशली आपको सिर्फ बीएड कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए बीएड कौन कर सकता है, तो यहाँ पे ये भी जो NCERT भी जो है वह अपेयरिंग कैंडिडेट को अलाउ नहीं कर रही है। तो जाहिर सी बात आपको बैचलर करना है 50% मार्क के साथ, साथ में आपके पास रहना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी एलिजिबिलिटी हो गई कि आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे लोअर जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिकुलेशन जो भी है, उसके सारे सर्टिफिकेट ऑब्वियसली आपके पास होंगे ही। और सबसे बड़ी बात कि इसे आप अप्लाई कहाँ पे करेंगे, तो अप्लाई का लिंक ये है, आप यहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और ध्यान दें कि आप लोग खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट में हो सकता है कि आप लोग को प्रॉब्लम आ जाए। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जियो का सिम कार्ड, जिसका नेट जो है इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन का इशू दे रही है। तो आप लोग सीधा साइबर कैफे जाएंगे, वहाँ पे वो लोग आपका अप्लाई कर देगा, 50-60 रुपये लेगा लेकिन सही से अप्लाई कर देगा। लेकिन वहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके द्वारा दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन जो है सही हो। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ही होगा, साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ी रिफ़ंड होने वाला बिल्कुल नहीं है। साथ में वहाँ पे आपको OTP भी मिलेंगे, उसके लिए आपको आपका फ़ोन नंबर भी आपके साथ रहना ज़रूरी है। साथ में आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, जो कि होगा आपका ग्रेजुएशन तक का सारा डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिकुलेशन से ग्रेजुएशन तक का सारा डॉक्यूमेंट्स।
अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, जो कि है आप लोग का इम्पोर्टेंट इवेंट्स, जो जिसमें आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म का लास्ट एप्लीकेशन का डेट कब तक है, वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप को एक महीने के लगभग में हो गए। यदि आप लोग पहले भी जमा कर दें तो कोई बात नहीं, यदि नहीं किए तो अभी भी आपके पास एक दिन का समय है, आप आज ही जाके अप्लाई कर दें शाम तक। और एडमिट कार्ड का जो डेट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन हुआ है, और सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो भी एग्ज़ाम का लास्ट डेट हो, रिजल्ट का हो या फिर काउंसलिंग का हो, जिसके रिलेटेड भी डेट यहाँ पे है। साथ में आप यदि एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो हमारे चैनल के भी माध्यम से आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर ये हो गया इम्पोर्टेंट इवेंट्स रिगार्डिंग डेट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा फिर से कि आपके पास डेट जो है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्रेन कर चुकी है डेट। एक महीना तक डेट था, हालांकि आपके लोकल साइबर कैफे जो है इस चीज़ को नहीं दे पाता, क्योंकि हो सकता है कि उसको पता भी नहीं हो, या फिर पता हो भी तो वो इस बात का इग्नोर कर रहा हो, क्योंकि होता है बहुत सारा ऐसा एरिया या फिर लोकेलिटी जहाँ पे इसके बारे में नहीं पता रहता कैंडिडेट को, तो वो साइबर वाले से पूछते भी नहीं हैं। यदि आप लोग चाहते हैं अप्लाई करने के लिए तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही सिंपल होता है, यदि थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर देंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। अभी एग्ज़ाम का डेट भी थोड़ा बहुत बच रहा है, तो आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। 20 से 25 दिन में आराम से आप लोग रिविज़न कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियसली भी अभी बीएड का एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग के जो भी रीजनिंग हो या फिर टीटिंग एप्टीट्यूड हो, तो ये सारे के रिलेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं यूँ कहिए कि ये सिलेबस है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 80 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको मिलेंगे 2 मार्क, और तो 160 मार्क हो जाते हैं 80 क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसके रिगार्डिंग आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, जिसके मिलेंगे आपको 40 मार्क। वहीं पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर टीचिंग एटीट्यूड कहिए, इसके मिलेंगे आपको 60 मार्क, 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, इसमें भी 60 मार्क। हालांकि NOU की जो बीएड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आपके इंग्लिश जो थे वो बहुत ही आसान तरीके से दिए गए थे, तो इसमें भी ज़्यादा उस हिसाब से नहीं मिलने वाला, आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेंटेंस एरर वाला 1-2 क्वेश्चन आपको दे दे। तो सबसे यहाँ पे जो मेन 2 पॉइंट है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और फिर रीजनिंग एबिलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना, हालाँकि ध्यान तो इंग्लिश भी रखना ही होगा आपको, क्योंकि NCERT का एग्ज़ाम है तो ये इंग्लिश थोड़ा देखती है बारीकी से। अब देखिए ये NCERT की एग्ज़ाम है, तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% यदि आप टोटल मार्क्स के ले आते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन आप रैंक हासिल करना चाहते हैं कि डेफिनेटली मेरा एडमिशन हो जाए दिए गए कॉलेजेस में से, तो आपको 60% से अबव मार्क जो है स्कोर करना होगा। अब देखिए परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन के बारे में, यहाँ पे जो रिसेंटली अभी आई थी EWS या EWC जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे SC के लिए मिल जाएंगे 15%, ST के लिए मिल जाएंगे 7.5%, OBC को 27% और पर्सन विथ डिजेबिलिटी को मिल जाएगा 5%। तो ये सारे परसेंटेज हैं रिजर्वेशन के। तो इसका रिजर्वेशन का परसेंटेज जो है थोड़ा कम्प्लेक्स है, आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस आप लोग के पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप लोग रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है, आप लोग सीधा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, यह रिजर्वेशन वाला परसेंटेज पर भी ध्यान नहीं दी, जो आना होगा रिजल्ट के बाद वो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। अब हम लोग जानते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के जो भी हैं एस्पिरेंट उनको देने होंगे 900 रुपये, बाकी सारे कैटेगरी जो भी है उसको देने होंगे 450 रुपये। तो जनरल और OBC दोनों को देने हैं 900, बाकी सारे कैटेगरी को देने हैं 450 करके। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इतने ही एग्जामिनेशन फ़ी में आपको 5 कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में आपको मिल सकता है क्वालिफाई करने के बाद, जिसका परसेंटेज मैंने अभी बताया ही था कि जो कि है 60% से अबव आपको मार्क जो है स्कोर करना होगा। और एक छोटा सा जानकारी मैं यहाँ पे दे दूंगा कि आप लोग के मन में होगा कि RIE
CEE यानी कि NCERT के B.Ed के आखिर कितने सीट हैं। मैं यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये वीडियो स्पेशली मैंने B.Ed के लिए बनाया है। यदि आप लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ B.Ed या फिर M.Ed B.Ed दोनों एक साथ, वो सारी बाकी जानकारी भी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हालांकि उसका भी फॉर्म का सेम लास्ट डेट है, फी भी आपको उतना ही लगना है 900 रुपये और 450 रुपये के रेस्पेक्ट में। लेकिन उसमें बस ये है कि थोड़ा सा सीट के बारे में कन्फर्मेशन यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये स्पेशली B.Ed बेस्ड वीडियो है और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर मैंसन किया गया, वो भी मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। हालाँकि यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी, तो आप लोग फट से अप्लाई कर दें, आप लोग देरी बिल्कुल नहीं करें। तो मैं फिर से बता देना चाहूँगा यहाँ पे कि इंटरमीडिएट के बाद आप लोग ग्रेजुएशन और B.Ed दोनों साथ में कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद यदि आप B.Ed M.Ed दोनों साथ में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये B.Ed का सीट है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलेज वाइज पांचों कॉलेज का मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये अजमेर का, ये भुवनेश्वर का और ये भोपाल का है। तो देख सकते हैं 40-40 सीट है बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप के लिए और फिजिकल साइंस ग्रुप के लिए। तो इसी तरह से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीट्स है, तो टोटल लगभग 450 के रेंज में हो जाते हैं। तो तीन कॉलेज का आपने देख लिया, तो बाकी देखते हैं दो कॉलेज का। तो भोपाल तक का आपने देख लिया था, अब मैसूर में भी है लगभग 60 सीट और शिलोंग में भी है लगभग 90 सीट। तो टोटल लगभग 450 या 420 के रेंज में हो जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी आपके रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 जो कि कंडक्ट कराई जा रही है NCERT के द्वारा। तो यदि आप को फिर भी कोई क्वेश्चन मन में रह गया हो, कि कोई चीज़ छूट गया हो जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हालांकि बहुत सारे वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया है, आप वहां से भी जाकर हमें व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि होगा स्टडी रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन पर